Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel, the Spoken English course, the Spoken English Vogue, I Know English. Before we start the video, please do subscribe to our channel so that you continue with your Spoken English studies with us. तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप भोंदू बनने से थोड़े ऊपर उठ रहे हैं. आपको पता चल रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल टफ नहीं है, हमें थोड़ा सा समझ लगानी है और हम न्यूज़पेपर मिलके वैसे तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसी से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, तो हमें नॉलेज ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ये सोचना तो बहुत ही गलत बात है. अरे हमने क्या लेना यार न्यूज़ से, न्यूज़ को स्टोरीज़ की तरह लेना है, इंटरेस्ट सिखाना है, पढ़ना है, ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में क्या हो रहा है और साथ साथ हमें करनी है अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव. नए नए वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ एकदम धमाकेदार स्टोरीज़ होती है, मसालेदार स्टोरीज़ होती है न्यूज़ स्टोरीज़. तो आइए चलिए ऐसे ही एक नई स्टोरी के साथ चलिए मेरे साथ और हम पढ़ते हैं आज का न्यूज़पेपर. तो चलिए आइए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. 72% वोटिंग, पोलस्टर्स गिव कांग्रेस द एज. मतलब जो टोटल वोट्स होने चाहिए वो 100% होने चाहिए. ठीक है, जो भी वोट्स के लिए, वोट्स डालने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, उनको जाना चाहिए, तब भी 100% पोलिंग हो पाएगी. बट अभी 72% वोटिंग ही हुई है. ठीक है, 72% वोटिंग पोलस्टर्स. ठीक है, पोलस्टर्स मतलब जो पोलिंग को, वोटिंग को, इलेक्शन को जो एनालाइज करते हैं. जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, जिस दिन वोटिंग होती है, जिस दिन वोटिंग डे होता है, मतलब जब वोट डालना होता है, तब न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि कौन जीतेगा, किसके वोट्स ज़्यादा है. हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो पोलस्टर्स बेसिकली उनको बोलते हैं जो एनालाइज करते हैं वोटिंग को. ठीक है, गिव कांग्रेस सेज, उन्होंने अनुमान लगाया है कि कांग्रेस ही जीतेगी. ठीक है, आगे देखिए, आगे ये न्यूज़ पढ़ते हैं. 3 पोल्स प्रिडिक्ट क्लियर मेजोरिटी फॉर कांग्रेस. 3 पोल्स प्रिडिक्ट मतलब 3 जो पोल्स हैं, जो वोटिंग बूथ्स हैं, ठीक है, एक तरह से प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, क्लियर मेजोरिटी फॉर कांग्रेस. उन्होंने ये अनुमान लगाया है, ये भविष्यवाणी करी है कि कांग्रेस ही जीतेगी, मेजोरिटी कांग्रेस की साइड में है. ठीक है, 1 for BJP. एक पोल ने, ठीक है, एक पोलस्टर ने अनुमान लगाया है कि बीजेपी जीतेगी. ठीक है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट नेवर री इलेक्टेड सिंस 1985. ठीक है, इनकम्बेंट का मीनिंग यहाँ पे मैंने देख लिया है पहले से ही, पर्सन हु इज इन ऑफिशियल पोजिशन. ठीक है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट नेवर री इलेक्टेड. ठीक है, 1985 के बाद कर्नाटका पोल्स में, ठीक है, कर्नाटका इलेक्शन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो जो गवर्नमेंट इन पावर है, ठीक है, उसने कभी भी 1985 के बाद री इलेक्शन में वो नहीं आई है, वो री इलेक्ट नहीं हुई है, मतलब नहीं जीती है. ठीक है, इनकम्बेंट, देखिए इसका मतलब क्या होता है, पर्सन हु इज इन ऑफिशियल पोजीशन, जो ऑफिशियल पोजीशन में है. एक तरह से हमें गेस करना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है. ये मेनली बात कर रहा है जो गवर्नमेंट इन पावर है, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट. ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या बोल रहा है ये और क्या है न्यूज़ हमारी. इवन एस 71.77% ऑफ द इलेक्टर्स कास्ट देयर वोट इन द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस टुडे. इवन एज 71.77%. अब 71.77% ये हम लोग मैथ्स में पढ़कर आए हैं कि 0.5 के बाद, सॉरी कि पॉइंट के बाद अगर 5 डिजिट हो या 5 से ग्रेटर हो तो फिगर जो होती है हमारी राउंड ऑफ हो जाती है. ठीक है, तो 71.77% हुआ 72% ऑफ द इलेक्टर्स. ठीक है, इलेक्टर्स कास्ट देयर वोट इन द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस टुडे. इलेक्टर्स जो होते हैं, जो जिनको राइट होता है अपना वोट कास्ट करने का, ठीक है, वोट देने का, कास्ट देयर वोट इन द कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस टुडे. आज उन्होंने अपना वोट दिया कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस के लिए. एंड एवरेज ऑफ द एग्जिट पोल्स प्रिडिक्टेड ए हंग वर्डिक्ट गिविंग एन एडवांटेज टू द कांग्रेस एंड असेंबली इलेक्शंस टुडे. एंड एवरेज ऑफ द एग्जिट पोल्स, ठीक है, एग्जिट पोल्स ने, ठीक है, जो एनालाइज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि कौन जीतेगा, ठीक है, प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की, ए हंग वर्डिक्ट एक तरह से नतीजा, ठीक है, वर्डिक्ट का मतलब होता है नतीजा, उन्होंने प्रिडिक्ट किया मतलब भविष्यवाणी की क्या, गिविंग एन एडवांटेज टू कांग्रेस, वो कांग्रेस को एडवांटेज मतलब सुविधा एक तरह से, ठीक है, वो दे रहे हैं, मतलब उनके हिसाब से उनको लग रहा है. ठीक है, 3 out of 4 polls, ठीक है, 3 polls ऊपर यहाँ पे लिखा है, 3 polls predict clear majority, ठीक है, majority
कांग्रेस के साथ होगी, वो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, ठीक है। वाइल वन पोलस्टर, जबकि एक पोलस्टर ने गेव द रूलिंग बीजेपी अ मेजोरिटी, ठीक है, उन्होंने बीजेपी को मेजोरिटी में दिया। काउंटिंग ऑफ वोट्स विल टेक प्लेस ऑन मई 13 को वोट्स की काउंटिंग होगी कि एग्जैक्टली एक्चुअली इन रियलिटी किसके वोट ज्यादा आए हैं, कांग्रेस के या कोई और पार्टी के, ठीक है। आगे देखिए, ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट अमिड क्लोज कॉन्टेस्ट बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस एज मोस्ट सर्वेस प्रिडिक्टेड। ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट, देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे वर्ड्स यूज हुए हैं। ए फ्रैक्चर्ड मतलब टूटा फूटा सा, मैंडेट मतलब जरूरी, ठीक है। ए फ्रैक्चर्ड टूटा फूटा सा जरूरी चीज अमिट क्लोज कॉन्टेस्ट, अमिट मतलब बीच में, ठीक है, बीच में क्लोज कॉन्टेस्ट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो आपस में जो अमिड मतलब बीच में, ठीक है, कंपटीशन हो रहा है। कॉन्टेस्ट मतलब कंपटीशन, जैसे कॉन्टेस्ट होता है ना, सिंगिंग कॉन्टेस्ट होता है, ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है, तो क्या होता है वो बेसिकली कंपटीशन ही होता है उसका मतलब, ठीक है। कुड वंस अगेन एज मोस्ट सर्विस प्रिडिक्टेड कुड वंस अगेन पुट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा लेट जे डी एस इन द किंग्स मेकर रोल। वो लोग किंग्स मेकर रोल में देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। सो एच डी देवेगौड़ा जी जो हैं, जो जेडीएस की जनता दल सेकुलर एक पार्टी है, उसके प्रेसिडेंट हैं, जो पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है, वो देख रही हैं, ठीक है। मोस्ट सर्विस प्रिडिक्टेड कुड वंस अगेन पुट मतलब दोबारा से वो उसी जो एच डी देवेगौड़ा जी हैं उनको उसी पोजिशन पे रख रहे हैं, किस पोजिशन में, इन द किंग्स मेकर रूल, ठीक है। As it did in 2018 when the BJP emerged as the single largest party with 104 seats, ठीक है, जैसे कि 2018 में हुआ था। क्या हुआ था कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो emerged मतलब उभरी थी, ठीक है, as a single largest party, ठीक है, एक single largest party के तरीके से उभरी थी with 104 seats, जिसके पास 104 seats थे, 9 short of the 113, ठीक है, जो मेजोरिटी होनी चाहिए थी 113 की, ठीक है, उनसे 9, उससे 9 कम थे, ठीक है, मेजोरिटी मार्क इन द 2024 मेंबर हाउस, जो मेंबर्स से हाउस के असेंबली इलेक्शंस जो होते, जो हाउस के मेंबर्स से वो थे 2024, ठीक है। द जेडीएस एंड कांग्रेस अलाइड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स थी वो थी बीजेपी के पास 104 सीट्स, ठीक है, होनी कितनी चाहिए थी 113, अगर 113 सीट्स पूरी होती बीजेपी के पास तो वो लोग गवर्नमेंट बना सकते थे। अब जो माइनॉरिटी में थी पार्टीज, ठीक है, जैसे जेडीएस है, उन्होंने क्या किया, वो किंग्स मेकर रोल के रूप में आगे आए। किंग्स मेकर रोल बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए कि कुछ सीटें एक मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स एक पार्टी ले जाए, लेकिन वो उस मार्क तक ना आ पाए जिस मार्क तक वो गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार है, तो जो माइनॉरिटी वाली सीट्स होती हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी वाली पार्टीज होती हैं उसमें जो जिसकी कम सीट्स होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली किंग्स मेकर रोल प्ले करती हैं, वो दूसरी पार्टी को कहती हैं, यानी कि इस केस में जेडीएस ने कांग्रेस को ये बोला कि तुम मुझे वो बनाओ, सीएम बनाओ, मैं तभी तुम्हारे साथ अलाय करके मतलब कंबाइन करके मिला के गवर्नमेंट बनाऊंगा, क्योंकि बीजेपी का गवर्नमेंट बनना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जेडीएस ने और कांग्रेस ने अलाइड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, वो कंबाइन हुए, मिले, अलाइड का मतलब ये होता है to form the government which fell after a year amid mass defections, ठीक है, अदल बदल से कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा जिसकी वजह से, ठीक है, वो गिर गए, which fell, वो गिर गए after a year, एक year के बाद, एक साल के बाद, amid mass defections that propelled, जिसने compel किया मतलब मजबूर किया, propelled the BJP to पावर इन 2019। तो अभी भी वो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है।